नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है बर्लिन वेव सीरीज, जो कि यह मनी हेस्ट का एक ही कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर पे मनी हेस्ट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बर्लिन कैरेक्टर पे एक पूरी वेब सीरीज बना दिया है। और कहानी जो है हमें दिखाया गया है जो प्रोफेसर है उनसे पहले अपने जो बर्लिन भाई है इसके भाई भी प्रोफेसर है और इन्होंने इस बार अपने भाई के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया है स्पेन में। पूरे स्पेन में इन्होंने तहलका मचा दिया है इस चोरी को अंजाम देने के साथ। इस चोरी में हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ ही चोर मिलकर एक पूरी जो स्पेन के जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी शाही परिवार है वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गहने बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह बात लीगल नहीं कर सकते हैं, वह अपना गहना बेच रहे हैं। अब देखो बर्लिन को पता चल जाता है कि सारे गहने यहीं आने वाले हैं और उनकी नीलामी होने वाली है। और भाई साहब कहानी में जो एक्शन हो चाहे कहानी का जो थीम लिखा गया है यह बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इस बार बर्लिन जो है अपने भाई के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं और इसमें दो तीन और कैरेक्टर है जो कि आपको पसंद आएंगे। लेकिन इस वेब सीरीज में इस बार हमें जो है रोमांस कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है रूस में। और देखो ये जो है ना हमारा जो क्या कहते हैं कि जितना मनी हेस्ट का जो प्रोफेसर है या जितने भी पार्ट हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब यह आप वेब सीरीज देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको यह उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब भी बर्लिन अपने सामने मतलब आपके स्क्रीन पर आएंगे तो भाई साहब आप एकदम बहुत मजा करोगे, क्योंकि बंदा भाई अकेला ही बंदा है जो पूरी चोरी का प्लानिंग करता है। किसी भी चोरी में यह बंदा एकदम सातिर दिमाग का और यही इस वेब सीरीज को खास बनाता है। अब देखो कहानी को मैंने बता दिया, अब चलते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज। देखो इस वेब सीरीज को आपको देखना चाहिए कि नहीं। देखो वीकेंड है, नया साल है, अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं तो वेब सीरीज देखिए। टोटल जो है 8 एपिसोड है और इसकी जो लंबाई है वो है आपको 40 से 55 मिनट, कह सकते हैं कि एक घंटा के करीब आसपास इसकी लंबाई है। लेकिन इस फिल्म में सॉरी इस वेब सीरीज में हमें इस बार यह भी दिखाया गया है कि इस बार हर किसी को प्यार हो जाता है, बर्लिन को भी प्यार हो जाता है और आपको कहानी में दिखाया जाएगा और काफी बेहतरीन तरीके से हो जाता है। ओवरऑल यह वेब सीरीज आपको देखना चाहिए क्योंकि बर्लिन है तो बर्लिन का कैरेक्टर या किरदार जो है वो हम सब मनी हेस्ट में उनका देखा है और मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है और आपको भी पसंद है, क्योंकि बर्लिन के फैन ना इस वर्ल्ड में भरे पड़े हैं। और प्रोफेसर के देखिए इस वेब सीरीज को देखने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों से दूर रहें, अगर आप एडल्ट हैं तो आप इस वेब सीरीज को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ न्यूडिटी सीन सब भी है लेकिन उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि ऑल कैरेक्टर है और इस वेब सीरीज का जो डिसएडवांटेज है वो मैं बता दूं, इस वेब सीरीज में ना हमें ना कुछ ज़्यादा ही रोमांस करते हुए दिखाया गया है, इस वेब सीरीज में हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाया गया है। हो सकता है इस वेब सीरीज की लेंथ जो है चाहते तो डायरेक्टर इसके 6 एपिसोड में ही बना सकते थे, लेकिन इस बार जब इन्होंने प्यार का मसाला डाल दिया और इस वेब सीरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओवरऑल यह वेब सीरीज को मैं जो स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 10 में से 8.4 स्टार, ऑसम है यह वेब सीरीज, आप जरूर देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और तब तक के लिए जय हिंद।